नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि हमें टायर टू पिनेकल की तरफ से, इनफैक्ट पिनेकल है एसएससी सीजीएल टायर टू की तैयारी कैसे करवा रही होगी, नंबर वन। नंबर टू, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे हल्का सा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है टायर वन का, उस परिपेक्ष में उसके संदर्भ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरफ है आगे जाना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि पहला मैच है वो आपका ख़त्म हुआ है और इस मैच में बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी खुश हैं। उस खुशी की वजह क्या है? फर्स्ट टाइम एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन टेस्ट लिया है और ज़्यादातर लोगों को वो ऑनलाइन टेस्ट सूट किया है। इसका पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो टाइम ज़्यादा था, 75 मिनट्स 100 क्वेश्चन, तो कंपेरेटिवली टाइम ज़्यादा। और दूसरा, कुल मिलाकर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस हैं, वो कंपेरेटिवली आप बोल सकते हैं कि ज़्यादातर इजी थे। तो इस दो वजह थी जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हम थोड़ा और देखने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो पिनेकल ने प्रोग्राम टायर टू के लिए लॉन्च कर रही है 15 सितंबर से, वो है जॉब अश्योर पार्ट टू, आप बोल सकते हैं डे वाइज शेड्यूल है एसएससी सीजीएल टायर टू के लिए। हमने जॉब अश्योर पार्ट वन, आप बोल सकते हैं टायर वन के लिए लॉन्च किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था और उनका भी फीडबैक आ रहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। हमने पिनेकल की टेस्ट सीरीज लॉन्च की टायर वन के लिए, वीडियो एक्सप्लेनेशन वाली, विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन पीडीएफ, उसका भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। इनफैक्ट मार्केट में जो सबसे ज़्यादा नज़दीक थी, जो एसएससी ने एग्ज़ाम लिया है पैटर्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमारी टेस्ट सीरीज थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो जिन स्टूडेंट से ली है उनसे आप बात कर सकते हैं, अगर जो स्टूडेंट पिनेकल के साथ पहले जुड़े हुए नहीं है और वो इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो या तो पिनेकल स्टूडेंट ऑलरेडी है या वो पिनेकल को फॉलो करता है, पिनेकल यूट्यूब चैनल को फॉलो करता है या पिनेकल पोर्टल को फॉलो करता है या पिनेकल वेबसाइट को फॉलो करता है, या वो एसएससी सीजीएल के बारे में ही स्पेशलाइज्ड तैयारी कर रहा होगा, तो उनके लिए ये प्रेजेंटेशन या चैनल आप बोल सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है कि आगे का एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने जब ये टायर वन की अनाउंसमेंट की थी डेट की, उस टाइम में अनाउंसमेंट हुई थी, उस में एक नोटिफिकेशन था और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था। और अभी तक जो एसएससी ने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस दी है या एसएससी का शेड्यूल रहा है, उसने स्ट्रिक्टली इस अपनी जो नोटिफिकेशन है, आप या बोल सकते अपनी बात को, उन्होंने गहराई से फॉलो किया। जैसे कि 10 तारीख को उनको रिलीज करना था वॉक थ्रो, एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो है अपलोड करना था, उन्होंने 10th को किया। और फिर जैसे जैसे शेड्यूल था, काफ़ी सक्सेसफुल मैं बोलूँगा, एसएससी ने सक्सेसफुली टायर वन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। बहुत सारे लोगों को आशंका थी कि शायद एसएससी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इतने अच्छे ढंग से नहीं करवा पाए, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट खुश हैं और एक अच्छे ढंग से प्रोफेशनल तरीके से कुल मिलाकर एसएससी ने निभाया है। इतने बड़े लेवल पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं होगा, जहाँ पे लोग हर तरह की मौका तलाशते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जहाँ की कि कोई लीकेज मिले और उनको मेल प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी मिले। तो मुझे लगता है इस बार कोई धांधली वाली जो बात थी इतने बड़े एग्ज़ाम में, वो इतनी ज़्यादा अभी तक मेरे सामने नहीं आई है और या अभी मीडिया में भी नहीं आई है। तो इसका मतलब सक्सेसफुली फुल प्रूफ फर्स्ट टाइम कई साल के बाद, जिसमें कि कोई गड़बड़ नहीं है, शायद ये पहला एग्ज़ाम हुआ होगा। इसका असर हम मेरिट में भी देखेंगे, फाइनल मेरिट में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे, बैकडोर एंट्री होती थी, सांठगांठ होती थी, बहुत ही मेल प्रैक्टिस इसमें इन्वॉल्व होती थी और लोग उसका सहारा लेकर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाते थे। तो एसएससी की जो उस नोटिफिकेशन में था कि फाइनल मेरिट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर टायर वन, टायर टू और टायर थ्री। तो ये जो आपने, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं 180 स्कोर कर रहे हैं, कोई 70 कर रहा है, 170, 160, 150, वो अच्छा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उनका ये एडवांटेज उनको टायर वन का, टायर टू में मिलेगा, टायर थ्री मिलेगा, क्योंकि सभी के मार्क्स काउंट होंगे।
Tentative time scheduling for conducting Tier 2 would be November 2006. ये important line, क्योंकि मेरे मुझे फोन करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट या आपस में बात कर रहे होंगे, तो उसमें ये बात पूछते हैं कि Tier 2 कब होगा, तो साफ साफ SSC ने दिया हुआ है नवंबर में होगा। इसलिए मेरा कहना या और किसी के कहने से नहीं, SSC क्या बोल रही है हम भी उसी के अनुसार चलते हैं, आप भी उसी के अनुसार चलिए। आपका एग्जाम नवंबर में, आप बोल सकते हैं कि अगले 60-70 दिन में आपका एग्जाम हो रहा है। और Tier 3 एंड डेस्ट CPT इज प्रपोज टू बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन द मंथ ऑफ जनवरी। Tier 3 होगा और उसके साथ जो कंप्यूटर आप बोल सकते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है, वो भी जनवरी में होगा। और अल्टीमेटली कमीशन वुड मेक ए कंसर्टेड एफर्ट टू डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट फॉर CGL 2016 बाय द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो आप बोल सकते हैं अप्रैल 2017 में फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा SSC CGL 2016। और आप सीधा बोल सकते हैं कि 2017 का जो SSC CGL है, इसका मतलब मार्च अप्रैल मई के बीच में होने की संभावना होगी, क्योंकि बहुत फास्ट SSC है, एक्शन ले रही है, काफी सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये तो थी डेट कि कब एग्जाम होगा, Tier 2 कब होगा, Tier 3 कब होगा। Tier 3 आपको पता होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और उसके मार्क्स काउंट होंगे। पॉसिबल कट ऑफ रिजल्ट अगर हम देखें कब आ सकता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है और ऑनलाइन में ओवा टेस्टिंग या कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट काफी नजदीक उनके है, तो मुझे लगता है एक महीने में रिजल्ट डिक्लेयर करने की संभावना SSC द्वारा काफी ज्यादा है। आप बोल सकते हैं एक महीना पहले, कई बार हम देख पिछले 3-4 साल में देख रहे थे कि आमतौर पे जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता था 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, इस तरह से एग्जाम से पहले डिक्लेयर करती थी, तो जो स्टूडेंट बहुत नजदीक कट ऑफ मुश्किल से क्वालिफाई करते थे उनके लिए ये डिसाइड करना कि क्या उनको तैयारी करनी चाहिए Tier 2 की या नहीं करनी चाहिए, उनकी दुविधा बहुत ज्यादा होती थी। हालांकि इस बार भी दुविधा इस वजह से है क्योंकि इस बार पहली बार एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे, तो मेरिट ज्यादा होने की संभावना कई स्टूडेंट्स को सतारी होगी, और ऊपर से रही सही खसर मेरिट को फ्लक्चुएट करवाने में वो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है जो SSC की साइट पे दिखाई दे रही है, वो किसी की चिंता बढ़ा सकती है, स्टूडेंट्स की भी बढ़ा सकती है, कोचिंग सेंटर्स की भी बढ़ा सकती है, क्योंकि वैकेंसी कम है। अगर कम वैकेंसी होती है तो कोचिंग सेंटर को जबरदस्त नुकसान होने की संभावना हो सकती है, सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। और आप बोल सकते हैं इसके लिए ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा, मुझे कई बार मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि कितनी वैकेंसी है, कब एग्जाम होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये तीन क्वेश्चन काफी ज्यादा चर्चा में जब मेरे साथ कोई डिस्कस करता है तो उसमें होता है। मेरे अनुसार मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो 110 के आसपास होने की संभावना होगी। दो तीन चीज इसके पक्ष में है ज्यादा कट ऑफ के, दो तीन चीजें इसको पीछे धकेल रही है कि कट ऑफ इतनी भी नहीं जा सकती। जैसे कि इतनी क्यों नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट कई बार ये बोलते हैं कहीं 149 चली जाए, 159 चली जाए, वो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जा सकती, एक की फेयर प्रैक्टिस हुई है इसमें। अगर फेयर प्रैक्टिस हुई है, इथिकल पेपर कंडक्ट हो रहे हैं सारे और इसमें कोई ज्यादा माल प्रैक्टिस का संभावना है ही नहीं, तो इसका मतलब कि जो लोग बैक एंट्री या फ्रॉड करके आगे बढ़ रहे थे और जिनकी वजह से कुछ 4-5 नंबर मेरिट है आगे जा रही थी, वो शायद अब वो 4-5 पीछे हो जाएगी। तो एक तो नेगेटिव फैक्टर की ज्यादा नहीं जाएगी एक ये है, दूसरा नेगेटिव फैक्टर ये है ज्यादा मेरिट न जाने का ए कि Tier 3 होगा और उसके मेरिट काउंट होगी और Tier 2 और Tier 4। अब जब इतने Tier होंगे तो ऑब्वियसली अब ऐसा तो होगा नहीं कि Tier 4 और Tier 3 में इतने ही स्टूडेंट होंगे, इसका तो कुछ तो बाहर जाना पड़ेगा उनको और कुछ में 50% हो सकते हैं। और इसका ज्यादा Tier करने का और मेरिट काउंट करने का, क्योंकि पहले क्या होता था कि नॉन इंटरव्यू पोस्ट में तो यही होता था सीधा, अब Tier 3 नहीं होता था, अब Tier 3 होने की वजह से नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट ज्यादा लिए जाएंगे Tier 3 में, Tier 2 क्वालिफाई करेंगे वो कंपेरेटिवली अब ज्यादा होंगे। अब Tier 2 से Tier 3 में ज्यादा स्टूडेंट जाएंगे अगर कंपेरेटिव मैं बात करूं तो ऑब्वियसली क्या है कि कट ऑफ पीछे जाएगी। तो दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है बहुत ज्यादा मेरिट न जाने का, वो मुझे इस नजर में आ रहा है कि SSC को
इस लिहाज से ज़्यादा इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकती, ज़्यादा स्टूडेंट उसको वन एक लाख डेढ़ लाख से ज़्यादा मुझे लगता है वन हो सकता है 2 लाख स्टूडेंट है वो टायर 2 क्वालिफाई करवाए। अगर ऐसा नहीं करवाएगा तो टायर 3 या टायर 4 की जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और SSC को मुझे लगता नहीं है कि वो सक्सेसफुली इस पूरे सिस्टम को कंडक्ट कर पाई। सिर्फ फेयर प्रैक्टिस करवाना सक्सेस नहीं हो सकता, सिस्टम को अब इस ढंग से स्ट्रक्चर बनाना उसकी जिसमें कि स्टूडेंट्स हैं वो पीछे हाई क्वालिटी स्टूडेंट है उनका प्रॉपर सिलेक्शन हो, वो एक एजेंडा होगा। वो तभी होगा जब रीजनेबली नंबर ऑफ कैंडिडेट है टायर 3 में आएंगे। एक और इसके पीछे जाने की संभावना हो सकती है वो पॉलिटिकल रीजन, ज्यादा मेरिट न जाने के पीछे। अब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सरकार ने जब 3 साल पहले 2 साल पहले 1 साल पहले वादा किया था कि हम जॉब आएगी, 5 करोड़ लोगों को रोजगार ये मिलेगा वो मिलेगा, अब उन सब की धज्जियां उड़ गई है। मार्केट के अंदर बहुत बुरी हताशा है जॉब, जहां तक जॉब का सवाल है। GDP हो सकता है आंकड़े ठीक नजर आ रहे हो आपको, लेकिन जो जॉबलेस ग्रोथ है वो पूरे इंडिया में चर्चा का विषय है कि ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। और उसमें हम भी देख रहे हैं कि BTech है MTech है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही प्राइवेट सेक्टर में। इस तरह की हताशा अगर गवर्नमेंट को वैकेंसी अगर कम करे गवर्नमेंट और उस हिसाब से अगर वैकेंसी कम करती है तो इसका टायर 2 टायर 3 में लोग कम जाएंगे। अगर बहुत कम वैकेंसी की वजह से टायर 2 टायर 3 में जाते हैं तो लोग बहुत हताश होंगे और इस हताशा का फायदा या पंप मारने का काम होते हैं वो कोचिंग सेंटर करते हैं। वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स को आगे करके, और क्योंकि अपना देखो बिजनेस है वो बिजनेस होता है तो हर बिजनेस का मतलब प्रॉफिटेबल होना, और प्रॉफिटेबल तभी हो सकता है जब उनके पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, और ज्यादा कब आएंगे जब वो वैकेंसी ज्यादा होंगी। तो इस वैकेंसी को बढ़ाने के लिए या अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए कोचिंग सेंटर पुश करेंगे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट है सोशल मीडिया और दूसरे साधन के जरिए से प्रेशर डालेंगे किस पे, सरकार के ऊपर, जिससे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने की संभावना हो सकती है। क्योंकि जो अभी वैकेंसी दिखाई दे रही है SSC की साइट पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑफिशियल नहीं होनी चाहिए, तो वो ये आंकड़े देखिए आप भी देख सकते हैं SSC की साइट पे जाकर, ये मैंने वहीं से लिया है, 3815 है, और 3000 में से 1000 वैकेंसी सीधी हुआ है जो कि क्या है पेपर 3 वाला, पेपर 4 AAO जिसको बोल रहे हैं आप, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और उसके लिए जो स्टूडेंट्स MBA थे MCOM थे BTech थे उन्होंने अप्लाई किया है, और हो सकता है कुछ ने अप्लाई नहीं किया हो या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे अप्लाई किया तैयारी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि उनको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए कि संभावना काफी ज्यादा है। 3800 में से 1000 लगभग 23-24% 1/4 वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे अगर उन्होंने तैयारी नहीं की। इसका मतलब अगर इसको हटा दिया जाए तो लगभग 2800 वैकेंसी बचती है 2800 के आसपास, या 3000 लगा लीजिए। 3000 वैकेंसी पे लाखों लोग अगर फाइट करेंगे तो क्या होगा, बहुत प्रेशर आएगा सभी के ऊपर, सभी स्टेक होल्डर पे प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं वैकेंसी बढ़ेगी, और इसकी उम्मीद के पीछे ये भी है कि यहां पे देखिए जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है वहां पे 0 वैकेंसी दिखाई जा रही है। तो इसलिए जो यहां पे टेंटेटिव वर्ड लिखा टेंटेटिव वैकेंसी, हमें उम्मीद करनी चाहिए ये टेंटेटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल फाइनल वैकेंसी तभी आएगी जब टायर 3 टायर 4 तक पहुंच जाएगी बात, डिपार्टमेंट अपनी अपनी वैकेंसी तभी डिक्लेयर करेंगे और वो SSC को लिस्ट सबमिट करेंगे, उसी टाइम में फाइनल फैसला होगा कितनी वैकेंसी होगी, क्योंकि ये बड़े डिपार्टमेंट है और उन्होंने 0 वैकेंसी दिखाई है। सोचिए कि पूरे इंडिया में सेंट्रल एक्साइज में कोई वैकेंसी न होना, कई लोग टारगेट कर रहे हैं कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा और वैकेंसी 0 कैसे बनेगा, तो वही बताएगा वो, तो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, आप एग्जामिनर 0 वैकेंसी, बहुत सारे लोग एग्जामिनर बनने का ख्वाब देखते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी ज्यादा मेरिट में से एक एग्जामिनर की जाती है तो वहां पे तो 0 वैकेंसी है, कैसे बनेगा वो। और भी बहुत सारी जगह पे एक्सटर्नल अफेयर्स में 0 वैकेंसी, विदेश यात्रा कैसे होगी फिर हमारे SSC के स्टूडेंट्स की। बड़ा डिपार्टमेंट असिस्टेंट सेक्शन
सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट सीएसएस जिसको बोलते हैं, जीरो वैकेंसी। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वैकेंसी बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बढ़नी चाहिए, वरना जो ये मैं पीछे कट ऑफ बता रहा था कहीं जंप मार सकती है अगर ये वैकेंसी नहीं बढ़ी तो। मैं थोड़ा इस वजह से और ऑप्टिमिस्टिक हूँ वैकेंसी बढ़ने में कि अगर हम 2015 का जिक्र करें और जिन्होंने जहाँ पे जीरो वैकेंसी दिखाई दे रही थी वो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी वहाँ पे, जैसे सेंट्रल एक्साइज। और मैंने एक वीडियो बनाया है, एक दो वीडियो है वहाँ पे, एक नॉन इंट्री पोस्ट और एक इंट्री पोस्ट पे, और मैंने ये बताया उसमें कई चीज़ों पे कि किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे मेरिट जा रही है, वो आप वीडियो देखिए और उस देखने के बाद ये भी देखिए पिछले साल वैकेंसी और फिर इस साल वैकेंसी देखिए, आपको भी जजमेंट आएगा कि किस दिशा में सरकार भी बढ़ रही है या एसएससी बढ़ रही है। अगर पिछले साल इतनी वैकेंसी दिखाई जा रही थी तो उससे आधी से भी कम है इस बार वैकेंसी। तो एक यहाँ पे एनालिसिस, इस एनालिसिस में दो बातें निकल कर आई, एक कि वैकेंसी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेन डिपार्टमेंट सारे जीरो दिखा रहे हैं, दूसरा ये कि अगर 1000 वैकेंसी यहाँ पे एक स्पेशल पोस्ट में दिखाई जा रही है और वो 25% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है और जो स्टूडेंट इसमें फोकस करेंगे वो आसानी से जॉब ले सकते हैं, तो ये इजी टारगेट आप बोल सकते हैं इस पूरे कॉम्पिटिशन में, आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। तीसरी बात जो मैं इस बात पीछे वैकेंसी का लेकर इसलिए आया था और ये फेयर प्रैक्टिस गवर्नमेंट पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ इसलिए लाया था कि ज़्यादा मेरिट में क्यों नहीं जानी चाहिए, क्यों जानी चाहिए उस पर करने के लिए। अब ज़्यादा मेरिट क्यों जानी चाहिए, मुझे लगता है 10 से 15 मार्क्स फिर भी जा सकती है ज़्यादा पिछले एक दो साल के कंपेरिजन में। पिछले एक दो साल में 90 to 100 मेरिट थी तो इस बार क्या है कि 110 के आसपास जा सकती है, मतलब 15 नंबर के आसपास ज़्यादा सकती है। उसके पीछे दो रीज़न, टाइम का ज़्यादा होना, ऑनलाइन का होना क्योंकि उसमें गोले वगैरह भरने नहीं पड़ते ओमआर पे, और तीसरा क्वेश्चन का इजी होना, तो 15 मार्क्स का डिफरेंस जरूर इसकी वजह से आ सकता है। तो 110 के आसपास स्कोर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रेंज में होना चाहिए, नेगेटिव फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर दोनों को मिलाकर। ओबीसी और जनरल कैटेगरी में रीजनेबल ठीक सा फर्क होता है टायर वन में, लेकिन टायर टू और टायर थ्री आते आते वो फर्क धीरे धीरे कम हो जाएगा। एससी कैटेगरी में 90+ मेरिट जा सकती है, कट ऑफ जा सकती है टायर टू को पहुंचाने के लिए अल्टीमेटली, तो वैकेंसी पे और इस पे टायर टू टायर थ्री का क्या रेशियो रखती है उस पे डिपेंड करेगा, लेकिन इस रेंज में जिन बच्चों की इनसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो 100% तैयार टायर टू की तैयारी करना इमिजिएटली स्टार्ट करें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि हम काफ़ी सालों से सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाते हैं, स्पेशलाइज हैं इस फील्ड में, तो जिन बच्चों ने मुश्किल से कट ऑफ क्वालिफाई किया था वो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए थे। इंडिकेट क्या कि अगर आप इमिजिएटली स्टार्ट तैयारी करते हैं और आपका मैथ इंग्लिश अच्छा है ऑलरेडी और बाकी सब्जेक्ट अच्छे नहीं थे या आपका दिन अच्छा नहीं था एग्जाम में और मुश्किल से क्वालिफाई हुए आप या टायर वन की ज़्यादा तैयारी नहीं की, टायर टू में 2-3 महीने का भी जो टाइम है उसमें अच्छी तैयारी करके तो 30-40 नंबर का अगर किसी का पीछे रह रहा है कोई टायर वन में तो टायर टू 400 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स में ये डिफरेंस को मीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। तो मेरा दूसरा मैसेज कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से क्वालिफाई करने की सिचुएशन में है वो हिम्मत ना रहे, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि वो अगर फोकस करेंगे तो उनके उतने ही चांस है जितने कि वो 30-40 नंबर ज़्यादा लेकर कुछ स्टूडेंट खुश हो रहे थे और वो ढीले पड़ने की संभावना उनकी ज़्यादा होगी, उनसे आप आगे निकल सकते हैं। तो ये लोग जो मुश्किल से बाउंड्री लाइन पे हैं वो भी कमर कसले बेल्ट कसले, उनकी जो नौकरी लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हाई है, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 400 के अलावा इस बार तो 100 मार्क्स का एक और पेपर भी होगा टायर थ्री। तो जब 500 मार्क्स में 30-40 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया था अगर किसी ने टायर वन में तो वो आसानी से मिटाया जा सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं होगा। अब हम चलते हैं, तो ये थी कि वैकेंसी से रिलेटेड क्या सिनेरियो बन रहा है, नेगेटिव फैक्टर कौन से जो ज्यादा मेरिट को जाने में रोक रहे हैं और पॉजिटिव फैक्टर कौन से जो मेरिट बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं और फिर मैंने बताया अभी तक कि टायर टू का एग्जाम कब होगा, टायर थ्री कब होगा और फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और एसएससी की भी तारीफ की हकदार है एसएससी, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है। अब चलते हैं कि जो हमने टायर टू की तैयारी करवाने के लिए, जैसे टायर वन के लिए जॉब अश्योर डे वाइज प्रोग्राम लॉन्च किया था, और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो उस दिक्कत ये आती है कि मैं क्या करूँ आज।
तो इस दौरान जब धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आना स्टार्ट होता है तो प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है और वो ज्यादा तैयारी नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम उनको डे वाइज टारगेट दें, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ने का मसाला दिया जाए, स्टडी मटेरियल दिया जाए, उसके बाद टेस्ट हो और साथ में फुल एंड टेस्ट भी हो, तो जैसे प्रक्रिया हमने टायर वन में अपनाई, लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं, 190 तक स्कोर, 195 तक इस तरह से रेज्यूमे में स्कोर आ रहे हैं उस इस जॉब अश्योर की बदौलत। मैं उम्मीद करता हूँ जॉब अश्योर टायर टू में स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक डायरेक्शन देगा और मेहनत के लिए उसको प्रेशर डालेगा, मेहनत के लिए मोटिवेट करेगा उस दिशा में। तो ये प्रोग्राम होगा जॉब अश्योर इज द नेम ऑफ ए डे वाइज प्रोग्राम, डे वाइज प्रोग्राम है जो हमने डिजाइन किया है, क्योंकि हम लोग एसएससी सीजीएल पे फोकस करते हैं और हम जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते। और यही कारण है कि जो टायर वन हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन की उसके ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए, कवरिंग डेली 8 to 10 hours इंटेंसिव प्लैंड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग। अगर किसी को मजबूर किया जाए या खुशी में या मजबूरी में भी, क्योंकि कई बार प्रेशर भी डालना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तो 8 से 10 घंटा अगर किसी को पढ़ाया जाता है डे वाइज और फिर उसका टेस्ट लिया जाता है, मुझे लगता है उसका रूटीन बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट को यह गलतफहमी भी है कि टायर वन आसान होता है, टायर वन टायर टू मुश्किल होता है, यह भी गलत बात है। टायर वन में आसान क्वेश्चन आते हैं, टायर टू में मुश्किल आते हैं, यह भी गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस सेम होता है, इंग्लिश का थोड़ा बहुत फर्क होता है, जैसे नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, ये टायर टू में ऐड हो जाते हैं, वरना मैथ का सिलेबस सेम रहता है। और क्वेश्चन भी अगर पिछले 3-4 साल देखें तो टायर वन के मुश्किल होते थे, टायर टू के आसान होते थे। आप इस बार बोलोगे टायर वन के तो आसान थे तो, और टाइम भी ज्यादा था उसके बावजूद भी, तो टायर टू के क्या इससे भी आसान आएंगे? मुझे लगता है कि इसके आसपास ही होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, इसके आसपास ही रहेंगे टायर टू के, भले ही टाइम उसमें कम क्यों ना हो, क्योंकि मेरिट ज्यादा चली जाएगी। मुश्किल क्वेश्चन डालने का मतलब यह नहीं है कि आपकी सिलेक्शन की संभावना कम होगी, आसान होने से आपकी सिलेक्शन की संभावना ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगले राउंड में कितने क्वालिफाई करवाने हैं उस पर डिपेंड करता है, टोटल वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन की संभावना उस पर डिपेंड होती है, आसान या मुश्किल पर डिपेंड नहीं होगी। फिर आता है गाइडेंस और सुपरविजन, कि बीच बीच में गाइडेंस है, मोटिवेशन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से 100 मुश्किल क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से आसान हो सकते हैं, किस पोर्शन से कितना आ सकता है, आप अपने स्कोर को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये सारी जानकारी है इस दौरान हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से स्टूडेंट्स को पहुंचाएंगे। की पॉइंट इस जो प्रोग्राम का क्या हो सकता है, हाइलाइट्स, कवरिंग चैप्टर वाइज इंटायर सिलेबस मैथ एंड इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट की एक बड़ी फिलोसफी होती है, और ज्यादातर वो लोग होते हैं दो तीन साल से लगातार फेल होते आ रहे, फेल नहीं अगर बोलूं तो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, और वो इस बार भी नहीं होगे, क्योंकि वो क्या है कि किसी जो भी थोड़ा सा उसका स्ट्रोंग होता है उसको लगता है कि वो उसको आता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आता है इसका मतलब परफेक्शन नहीं चाहिए, उसको चाहिए होता है जो स्ट्रोंग चीज होती है उसी को ज्यादा मजबूत करना होता है, कमजोरी पे तो ध्यान देना ही होता है, लेकिन आप ये नहीं कि जो स्ट्रॉन्ग चीज है उसको छोड़ दे। तो ये मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए प्रोग्राम है, कोई सेपरेट प्रोग्राम नहीं है, कोई इंग्लिश के लिए या मैथ के लिए नहीं, और नहीं मैं कभी रिकमेंड करता कि आप मैथ की तैयारी कीजिए या इंग्लिश की कीजिए, दोनों की तैयारी आप उसमें फर्क डाल सकते हैं 10-20% 10% 20% का, लेकिन आप अपनी आपकी कोई चीज अगर अच्छी है तो उसको आप कमजोर मत होने दीजिए। क्योंकि कॉम्पिटिशन अगर मैथ की बात करें तो अगर अच्छा है तो क्या आप 200 में से 200 ले पा रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे हैं और आपको 160-170 ले रहे हैं और आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं मैथ में, तो एक तो आपकी नौकरी से आप पहले ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आपकी अच्छी चीज थी तो आप 200 तक पहुंचानी चाहिए थी। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं 195-200 के बीच में स्कोर करते हैं, आप ये मत समझना कि स्कोर नहीं होता, ये होता है और होगा और आप भी करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले सोचना जरूरी है कि हमें इतना स्कोर करना होगा तभी माना जाएगा कि स्ट्रांग है, वरना 160-170 वाला स्टूडेंट ही अगर स्ट्रांग मानने लग गया। अगर मैं इसको टायर वन के परस्पेक्टिव में बात करूं कि कुछ स्टूडेंट जिनका 40 out of 50 स्कोर आए मैथ में और उनको लगता है उनका मैथ बहुत अच्छा है, मुझे ये बताइए कि 10 में से हो सकता है 4 स्टूडेंट, 100 में से 40 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि इस रेंज में स्कोर कर रहे हो, लेकिन सिलेक्शन अगर 2 या 3 का होना है तो आप ये सोचिए कि 48, 49 या 50 ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये कंपेरेटिव है, और कंपेरेटिव में अगर कोई क्वेश्चन आसान आ रहे हैं तो आपको स्कोर ज्यादा करना है। आप मुश्किल क्वेश्चन करके ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, ज्यादा मुश्किल करेंगे आपको लगता है कि आपने
ज्यादा स्कोर कर दिया ऐसा नहीं है, आपको जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसी के ऊपर स्कोर को बढ़ाना है, और ये 8 नंबर का गैप है वो छोटा गैप नहीं है, 8 नंबर का गैप। सिमिलरली यहां पे अगर ये 20 नंबर का गैप आ रहा है, अगर 160 और एक का 180 आ रहा है या एक 190 कर रहा है 170 कर रहा है, तो 20 नंबर का गैप तो बहुत ज्यादा है। यहां तक कि मैं बोलूंगा 185 और 190 का गैप है वो आपको जॉब से बाहर करवा सकता है, इतना गैप भी। तो जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे की वो कृपया चेंज कर दीजिए, वरना आप खुद चेंज हो जाएंगे और 2-3 साल नहीं फिर 5 साल भी आप तैयारी करेंगे तो भी कहीं पे कुछ नहीं होगा। और अगर आपने इस बात को, मेरी बात को गंभीरता के साथ लिया तो फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होने की संभावना होगी, क्योंकि ये आपको दिशा दे रहा है कि अब स्ट्रॉन्ग का मतलब आप कंपेरेटिव है होता है, आप अपने ऊपर मत सोचिए और आप 100/100, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 100/100 स्कोर चाहिए मैथ की बात, ऐसे इंग्लिश की तरफ आपको बढ़ना है ज्यादा 180-190 स्कोर की तरफ। वीकली टारगेट ऑफ सिलेबस विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस कोर्स, इस कोर्स में वीकली टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा, पूरे सिलेबस को लगभग 1.5 महीने में खत्म या 50 डेज में खत्म करवाने के लिए, और उसको टारगेट डिवाइड किया जाएगा। इसके पीछे ये कई स्टूडेंट बोला हमने सिलेबस कर रखा है, ये जो कर रखा है मैं अच्छा हूं, ये जो फिलर्स हैं उसके दिमाग में, ये उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो 3 साल से अगर आप कर रहे थे सिलेबस अच्छा है तो फिर हुआ क्यों नहीं सिलेक्शन? जो बच्चे इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो वो उसको 2 महीने में सक्सेस हो सकते हैं। सिलेबस का मतलब सिर्फ कवर करना नहीं है, हर चीज को एक मेमोराइज उस दिशा में ले जाना भी होता है कि आप परफेक्ट हो, स्कोर आपका 100% की तरफ बढ़े, हम उस तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, वरना क्वेश्चन तो आसान होंगे। तो क्या आसान क्वेश्चन में फिर क्या सभी स्टूडेंट ने पूरे के पूरे स्कोर किए टायर 1 में? तो टायर 2 में 100 मार्क्स में टाइम कम होगा और वो आसान क्वेश्चन भी आपके लिए सिरदर्द हो सकते हैं, क्यों वहां सिली मिस्टेक बोलेंगे कि मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, ये सिली मिस्टेक ही तो डिफरेंस क्रिएट करेगी। वीकली टारगेट डिवाइड इनटू डेली शेड्यूल, तो कहने का मतलब ये प्रोग्राम है वो डेली शेड्यूल पे आधारित होगा, हर रोज आपको सिलेबस होगा, उसका टेस्ट होगा सेक्शनल और एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसका मतलब सेक्शनल टेस्ट भी और एक फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान हम सारे के सारे जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जो प्रीवियस ईयर के 8-10 साल से एसएससी में आ रहे हैं, टायर 2 के सारे क्वेश्चन हैं 2012, स्पेशली मैथ, क्यों पहले तो अलग पैटर्न होता था मैथ का, 12, 13, 14, 15 जितने भी अभी टेस्ट हुए हैं सारे के सारे वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। एसएससी जो भी मॉडल क्वेश्चन होते हैं वो कवर करेंगे, हम एसएससी के दौरान ऊपर ही हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, इसमें अननेसेसरी या मुश्किल या इररिलेवेंट क्वेश्चन डालने की कोशिश नहीं करते। टायर 1 में 56 टेस्ट हमने दिए थे, 50 टेस्ट नॉर्मल और 6 है हाई लेवल टेस्ट। जो बच्चे नॉर्मल टेस्ट में 140-150 करते थे वो हाई लेवल में 78-80-90 रेंज में जाते थे, क्योंकि कुछ बच्चों का ये मानना था अगर मुश्किल आ गया तो, इसलिए हमने उसमें दिए थे ये मुश्किल टेस्ट, क्योंकि पहली बार हो रहा था तो अंदाजा करना मुश्किल था, तो दोनों तरह से हमने उसको कवर करने की कोशिश की। टायर 2 में क्योंकि अब टाइम लिमिट है और इतना मुश्किल आने की संभावना 0 है, आप बोल सकते हैं जो 2013, 14, 15 जो पेपर आए हैं उसी रेंज में पेपर आएंगे, हायर लेवल पे या उससे आसान आएंगे जो कि संभावना ज्यादा है। तो इसका मतलब आसान पेपर आ रहे हैं तो आपको स्कोर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा करना पड़ेगा तो इसका मतलब आपके लिए चैलेंज ये और ज्यादा है मुश्किल पेपर से भी, क्योंकि अगर मुश्किल पेपर में 120-130 करके आप खुश आ रहे थे तो इसमें तो यहां तो हो सकता है 190 भी आपके लिए सिरदर्द क्रिएट कर दिया कि 190 स्कोर ही तो आया है। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी और माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा कि ये मेरिट जो ज्यादा एकदम जंप लग रहा है उसको कैसे हैंडल करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्टूडेंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉलो एज पर देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यहां पे मैथ और इंग्लिश पे कितना किसको फोकस करना वो कर सकते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते वो आपके लिए सिरदर्द होगी। तो ये यहां पे मैसेज मैथ और इंग्लिश का अपने आप को ढालना किस दिशा में है उसके ऊपर होगा। डेली टेस्ट 20-30 क्वेश्चन जो डेली सिलेबस होगा उसके ऊपर, और जितना भी पिनेकल के पास कंटेंट होगा, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो मैथ इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो स्टडी मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांस मैथ के 2000 क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन वही बार बार करते हैं
बहुत सारे क्वेश्चन वो टेस्ट में भी मिलेंगे आपको, लेकिन आप बार बार करते हैं तो आपको याद हो जाते हैं। और याद रखिए, अगर मैथ की बात करूं तो 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होंगे डायरेक्ट भी आएंगे और आपको याद होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन सवाल निकाल कर वहां पे डिराइव करके अगर निकालेंगे तो आप पहले कॉम्पिटिशन से बाहर हो। तो इसका मतलब बार बार क्वेश्चन को करेंगे, उन्हीं को क्वेश्चन को करेंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद होंगे। अगर आप ये निभा पाए तो आप 100% की तरफ बढ़ेंगे, 100/100 की तरफ, वरना पिछड़ जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी हम लोग इस पे अपनाएंगे। तो इस दौरान 80 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जिसमें कि 40 मैथ के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। मैथ में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर्स का टेस्ट होता है, 200 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 0.5 नेगेटिव मार्किंग। 40 टेस्ट इंग्लिश के होंगे फुल लेंथ टेस्ट। एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं, और 200 क्वेश्चन है वो पूरे पूरे वीडियो कवर, और इसमें मैथ के 100 क्वेश्चन वीडियो कवर हर टेस्ट में ऐसे होंगे। इस दौरान आप बोल सकते हैं कि 40 टेस्ट इंटू 200, 8000 क्वेश्चन है, 8000 क्वेश्चन हम लोग, 8000 क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में करेंगे, और 4000 क्वेश्चन हम लोग मैथ में करेंगे। तो 12000 क्वेश्चन है इस दौरान वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। आप सोचिए कि 12000 क्वेश्चंस के वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके पास होगी, प्लस ऑलरेडी वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत सारे हैं, वीडियो लेक्चर शॉर्टकट, चैप्टर वाइज वीडियो, अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो वोकैब्स हो या फिर ग्रामर हो या फिर मैथ हो, तो ऑलरेडी और बहुत सारा कंटेंट होगा आपके पास, और वो सारा कंटेंट इससे बाहर आने की संभावना 0% के आसपास होगी, क्योंकि सारा प्रीवियस कवर है, सारे मॉडल क्वेश्चंस कवर है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है, बहुत सारे क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार चार चार बार आपने रिपीट कर चुके होंगे टेस्ट के दौरान भी, सेक्शनल टेस्ट में भी। तो मुझे लगता नहीं कि इस तैयारी के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस है वो नीचे आएगी। एक सिंगल सोर्स कंप्लीट, इसके अलावा पिनेकल के अलावा आपको नहीं तो कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है, न ही कोई एक किताब खरीदने की जरूरत है, और न ही कोई, यहां तक कि कोई सिंगल पेज आपको कहीं से देखने की जरूरत है, कोई फेसबुक नहीं। 100% आप पिनेकल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, पिनेकल के वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पे देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि हमने टार 1 में बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा होगा टारगेट स्कोर अंडर। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि टायर 1 और टायर 2 के सिलेबस में फर्क नहीं होता, क्वेश्चन के लेवल में भी फर्क नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने दिमाग में जो पाला हुआ है। मैथ का सेम सिलेबस होता है, सेम क्वेश्चन होते हैं, कोई ये मत समझना कि टायर 2 हो गया तो ज्यादा, जैसे टायर 3 और भी मुश्किल होगा, टायर 4 उससे ज्यादा मुश्किल होगा, ऐसा कभी नहीं होता। इंग्लिश में जैसे नरेशन है, एक्टिव वॉइस, जैसे मैंने बताया, कुछ पोर्शन ऐड हो जाता है, लेकिन होते उसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, अगर जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके लिए है, बाकी स्टूडेंट्स को पता है। स्ट्रेटजी में डिफरेंस जरूर हो सकता है, ओपिनियन में डिफरेंस जरूर हो सकता है। टारगेट स्कोर अंडर जॉब अश्योर प्रोग्राम, 400 में से 350 आपको टारगेट रखना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। अगर इससे नीचे का टारगेट आपने रखा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आप बोलोगे ये जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी किसकी बात कर रहा हूं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आप ओबीसी की बात करें तो 20-30 नंबर कम कर दीजिए, और उसमें 50-60 नंबर कम कर सकते हैं, एससी में 50-60 नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जैसे टायर 1 में आया वैसे टायर 2 में आने की संभावना पूरी होगी। तो जब आसान क्वेश्चन पेपर होता है तो आपकी हल्की सी मिस्टेक या सिली मिस्टेक जिसको आप बोल रहे हैं, अगर चार क्वेश्चन में की तो चार क्वेश्चन का मतलब आप समझिए 10-12 नंबर का फर्क। और अगर मेरा वीडियो देखेंगे वो, या रिजल्ट देखेंगे जिसमें कि इंटरव्यू पोस्ट का और नॉन इंटरव्यू पोस्ट के बारे में एनालिसिस किया गया, तो 0.25 नंबर की, 1-2 नंबर की वजह से ही सारा फैसला हो चुका होता है। मैथ में आपको टारगेट, आपको आइडियल स्कोर 100/100, मतलब 100/100, 200 के टारगेट रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी ठीक हैं तो 350 तक पहुंचने के लिए इस रेंज में जरूर अपने आप को रखना पड़ेगा, इस रेंज में जरूर रखना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट अपने आपका खुद का पर्सनल टारगेट रखे, अगर मैं आपको नया भी बोल रहा हूँ ये इस रेंज में बोल रहा हूँ अपना, और मुझे कई स्टूडेंट ने बोला है अभी कि हमारा टारगेट 200 ही होगा, हम 200 से नीचे गए, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो हमारे लिए दुख की बात होगी, शर्म की बात होगी। मुझे वही जज्बा चाहिए जो पिनेकल स्टूडेंट पिनेकल को ज्वाइन करे, कि अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो वो आपके लिए सिरदर्द होना चाहिए। अगर इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो ये टारगेट आपको बड़ा नहीं लगेगा।
एडजस्ट एज पर योर वीकनेस और स्ट्रेंथ. जैसे एडजस्ट का मतलब कि अगर आप मैथ में थोड़े कमजोर है तो इंग्लिश में आपका स्कोर ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो आप रेंज अपने आप को डिसाइड करें. लेकिन 350 से नीचे का मतलब जॉब से बाहर. और कैटेगरी वाइज आप 20-30 कर सकते हैं, 50-60 कर सकते हैं, SC OBC उस कैटेगरी में, या एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन. और मुझे लगता है OBC की लगभग लगभग कोई ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं एक दो साल से एकदम से बड़ी है एक्स सर्विसमैन की. SC से हल्का सा नीचे ST आ जाता है इसमें मेरिट में, लेकिन ज्यादा फर्क आप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हल्की मिस्टेक यहां पे ज्यादा रोल अदा करेगी. स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर, ये जो जॉब अश्योर प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं SSC CGL Tier 2 के लिए, वो 15 सितंबर से उसका पहला दिन होगा. और आप बोल सकते हैं लगभग 2 महीने का प्रोग्राम होगा, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है और लगभग 50 से 60 दिन आपके बचे हैं. रिवर्स काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और मैं इसको तब लाया हूं इस प्रोग्राम को जब आपके सभी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं. 27 तारीख से स्टार्ट हुए थे, और जब ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे मेरे ख्याल से उस टाइम में सभी लोग एग्जाम दे चुके होंगे. हु कैन पार्टिसिपेट इन द जॉब अश्योर प्रोग्राम? जो स्टूडेंट ऑलरेडी पिनेकल को ज्वाइन कर चुके हैं, कौन सा, या तो ऑनलाइन कोचिंग बेच या हार्ड ड्राइव कोर्स. जो स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग बेच ज्वाइन करते हैं या हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो कोई भी प्रोग्राम हम एग्जिस्टिंग हो, कोई कंटेंट हो, वीडियो हो, या फ्यूचर कोई प्रोग्राम हो, 2 साल के लिए उनको एक्सेस मिलता है, वो सभी पार्टिसिपेट सभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो एक तो वो उसके लिए पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं, या फिर जो ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग बेस या हार्ड ड्राइव कोर्स, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. तो सीधा इसमें पार्टिसिपेट करें वो, अगर जिन्होंने 2017 को भी अपने टारगेट में लिया हुआ है तो वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें. और जो 2017 के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं और इमीडिएट सोचने की कोशिश कर रहे हैं Tier 2 के बारे में, तो वो जॉब अश्योर पार्ट 2 है, वो हमने लॉन्च किया है. जॉब अश्योर SSC CGL Tier 2 भी आप बोल सकते हैं इसको, जॉब अश्योर SSC CGL Tier 2 वो लॉन्च किया है. आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे आपको ये, कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये ज्वाइन कीजिए जो आप सिर्फ मेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो क्योंकि ये मेंस इन सभी का हिस्सा है, तो इनको अलग से कोई चीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है. अपकमिंग वीडियो ऑन गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप कहां से ज्वाइन कर सकते हैं, मैं थोड़ा और भी बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ वीडियो हैं अभी पाइपलाइन में, अगले 4-5-6-7 दिन में ये अभी अपलोड होंगे. आप इनको जरूर देखिए, अपनी स्ट्रेटजी को और आपको इनपुट्स मिलेंगे, आप हमारे विचार सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिसर्च करते हैं. 30+ हमारे पास जो स्टाफ है वो हमें इनपुट्स देता है, कोई टेक्निकल स्टाफ है, कोई नॉन टेक्निकल है, कोई वीडियो मेकिंग में हमारी सपोर्ट करता है, कोई कंटेंट डेवलपमेंट में करता है, कोई पोर्टल में हमारे इनपुट्स देता है, कोई रिसर्च में हम लोग जो टारगेट देते हैं वो करते हैं. तो अलग अलग से काफ़ी बड़ी टीम है और सिर्फ SSC CGL पे फोकस करती है. तो आप बोल सकते हैं आपका काम तैयारी करना है, हमारा काम आपको सपोर्ट देना है. 2-2 वे इसके लिए हम आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि हम सैलरी देते हैं सभी को. और सारे प्रोफेशनल जो ज्वाइन किए, कोई बीटेक एमटेक एमबीए से कम नहीं है, नॉर्मल ग्रेजुएट हमारे पास नहीं होता. What to do if you fail to qualify? ये वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी, कि आप 105, 110 या उस रेंज में स्कोर नहीं कर रहा, जब अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो आप क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आपको अगले जॉब लेने के लिए, सरकारी जॉब के लिए. कौन कौन से एग्जाम आप देख सकते हैं जो SSC के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और जो हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो वो एक बात बहुत जल्दी देख लीजिए कि जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग बेस या हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए 1 या 2 दिन में वहाँ पे 50 टेस्ट, क्योंकि हरियाणा में अभी एग्जाम होने वाले हैं SSC हरियाणा SSC रिलेटेड, तो आप वहां पे सीधा एक्सेस आपके कर सकते हैं. आप ईमेल डाल लीजिए कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मुझे हरियाणा से रिलेटेड SSC के एग्जाम है वो देने हैं, चाहे वो हरियाणा SSC रिलेटेड एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स हो या जो भी है, वो उसमें सारे टेस्ट है अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं. दूसरे शब्दों में कि दूसरे जो स्टेट के स्टूडेंट्स भी है, सभी स्टेट के स्टूडेंट को हम लोग वो इनपुट देने जा रहे हैं. अगर वो टायर्ड हमारे स्टूडेंट हैं और Tier 2 में वो उनको दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करें जिससे कि अच्छी सरकारी नौकरी लेने में उनको मदद मिले, उनके लिए स्ट्रेटजी हम लोग बैकअप तैयार करें, उसके लिए टीम भी हमने बनाई हुई है. हाउ टू प्रिपेयर मैथ टू स्कोर 200 100 बाय 100, मतलब 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ठीक हो, ये एक
क्या सिलेबस है, कितने किस्से आएंगे, कैसे तैयारी करें, 100 ट्रिक्स कौन सी हो सकती है जो आपको याद रखनी चाहिए, 100 मुश्किल क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं याद रखनी चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करें, कौन से क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना चाहिए, इस पर सारा एनालिसिस है इस प्रेजेंटेशन में हम लोग करेंगे जो अभी आने वाले टाइम में 5-7 दिन में वीडियो आएगा। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिरदर्द, स्पेशली बीटेक एमटेक, हो सकता है मैथ से वो नहीं डरे, इंग्लिश से काफ़ी डर रहे हैं, तो इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश को कैसे 180 प्लस या हायर रेंज की तरफ ले जाएं, ये मैडम है न्यूरू मैडम द्वारा ये प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है, इस प्रेजेंटेशन को आप जरूर सुनिए, देखिए कि क्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो मैडम के स्टूडेंट है वो 190 प्लस भी 180 प्लस है, उनके लिए नॉर्मल सी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं, तो क्योंकि जो हम लोग एक ही चीज़ फोकस करते हैं वो चीज़ आ जाती है एग्जाम में, वो आ जाती है, और हम ज़्यादा अननेसेसरी इधर उधर नहीं घुमाते, उसके ऊपर फोकस लाने की कोशिश करते हैं SSC CGL पे, हमारा मेन एजेंडा फोकस है, यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके स्कोर में बहुत जल्द बहुत ज़्यादा जंप लग सकता है इंग्लिश में। मिथ्स एंड मिस्टेक हाउ टू ओवरकम बाय बलजी ढाकर, ये प्रेजेंटेशन मैं दूंगा, कि कुछ जैसे किसी ने बताया कि टायर वन और टायर टू का रेंज बहुत हाई होता होगा कई स्टूडेंट के दिमाग में, ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत फहमी में पाले हुए भी होते हैं, उनकी कुछ गलत फहमी है वो टायर वन में हमने जरूर दूर की है, उम्मीद करते हैं टायर टू में भी काफ़ी दूर होगी, और हम ब्लॉक भी करते हैं जो गलत फहमियाँ फैलाते हैं, मिथ्स फैलाने की कोशिश करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे या कोई वेबसाइट पे आपने देखा होगा, तुरंत ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि बाकी स्टूडेंट पे कोई गलत असर न पड़े, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए, जो इस चैनल को या हमारी फिलोसफी को से सहमत नहीं है इस चैनल को वो छोड़ सकता है, बजाय कि अननेसेसरी अपना टाइम खराब करे दूसरों का भी करें। पेपर फोर, ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोग सुनने की कोशिश कर रहे होंगे मेरे से कि मैं क्या हम लोग क्या पिनेकल स्ट्रेटजी अपना रही है, इसका डे वाइज प्रोग्राम इसका भी होगा, तो जो स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और या फिर ये टायर टू वाला भी ज्वाइन करते हैं, ये जो JobAssure वाला 6000 वाला बोल सकते हैं मोटे तौर पर, वो सभी इसका, हालांकि इसके वीडियो नहीं होंगे लेकिन ये डे वाइज आपको PDF मिलेगा, उसके बाद टेस्ट पोर्टल पे डेली टेस्ट होंगे, और इसके अलावा और पर ये 50 डेज का प्रोग्राम होगा, और ये भी 15 सितंबर से इसका स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग 15 सितंबर है इसका भी, और 20 इसके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो सिलेबस दिया हुआ है इस पर एक प्रेजेंटेशन दूंगा मैं जिसमें आपको और क्लियरिटी आएगी कि ये आपको क्यों जल्दी जॉब दिला सकता है, क्यों 1000 जॉब, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट को कंटेंट भी शायद पता नहीं चलेगा आखिर तक, और वो करेंगे कैसे करेंगे, करने में टाइम लगा देंगे, तो उसका बेटर ये है कि हमारे स्टूडेंट उसका फ़ायदा उठाएं जो पिनेकल को ज्वाइन करें और इमीजिएटली एक्शन लें और इसका हिस्सा बने और 1000 वैकेंसी पे अटैक करें। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो JobAssure प्रोग्राम है वो कहाँ पे आप ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट है SSC CGL Pinnacle.com, इस वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, और अगर ये नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट रीज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 80 टेस्ट है विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन 1400, ये सबसे हमारा लोकप्रिय प्रोग्राम, बहुत सारे स्टूडेंट है टायर वन में 500 रुपये वाली टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट 500 रुपये ये वाली ज्वाइन की थी, लगभग 3000 स्टूडेंट के आसपास लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मैं उम्मीद करता हूँ अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो बाकी जो कोचिंग सेंटर है उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में जब टेस्ट स्टार्ट हो गए थे तब जाकर पिनेकल की ज्वाइन की थी उन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि जब अब लोगों को यकीन होगा कि पिनेकल के जो टेस्ट होंगे वो सबसे ज़्यादा नज़दीक रेलिवेंट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, क्योंकि 80 टेस्ट है वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और इसके कोई आसपास कोचिंग सेंटर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके आसपास में नहीं है, ज़्यादातर के 20-30 टेस्ट इस तरह से होते हैं, तो 80 टेस्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज़ में, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी इसको मिस ना करे, क्योंकि ये कम पैसे में अगर कोई दूसरा एफर्ट नहीं कर रहा है कोई प्रोग्राम तो ये जरूर अफर्ड कर सकते हैं, और इसमें PDF सॉल्यूशन और PDF क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, जब ये पोर्टल आप देखेंगे इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आप अपना बहुत बारीकी से एनालिसिस कर सकते हैं, ऑलरेडी रैंकिंग होती है आपकी खुद की, रैंकिंग आपके हर क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी होती है कि इस क्वेश्चन को करने में आपने कितना टाइम लिया, ये बहुत बड़ा एनालिसिस इसमें
होता है, और साथ में उसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में, या अब उसका नाम चेंज करके सीधा कर दिया है पीडीएफ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, तो वहां पे पीडीएफ क्वेश्चनर, क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर फोटोकॉपी लेकर वो टेस्ट भी आप दे सकते हैं, अगर किसी के पास ऑनलाइन पोर्टल करने में दिक्कत आ रही है। अगर किसी को वेब इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है टेस्ट पोर्टल की, वो कर सकता है, प्ले स्टोर में जाकर एसएससी सीजीएल पिनेकल वो टाइप करे तो जो टेस्ट पोर्टल की एप्लीकेशन है वो आ जाएगी, उसमें भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो अलग अलग हमने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, सेक्शनल टेस्ट उसमें दे सकते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको एक फायदा हो सकता है। तो मैं जॉब अश्योर प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूं, जब जैसे वो क्लिक करेगा उस पर, इस पर क्लिक करेगा तो वो पेमेंट गेटवे पे ऐसे जाएगा, और यहां पे ये 6000 रुपीज लिखा हुआ, गेट इट नाउ करेगा, यहां पे instamojo.com इस तरह से लिखा हुआ, ये हमारा पेमेंट पार्टनर, और इस पर आप क्लिक करेंगे 6000 रुपीज पे तो आपको वो पेमेंट पे ले जाएगा, डिटेल मांगी जाएगी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, और उसके बाद नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो। अगर ज्वाइन करने में न भी इंटरेस्ट रखें तो टेस्ट सीरीज में आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, या उसके बावजूद भी अगर वो नहीं रखें तो आप पिनेकल पोर्टल पे एक दो हम लोग फ्री टेस्ट डालते हैं वो आप दे सकते हैं, बहुत जल्दी एक दो फ्री टेस्ट है आने वाले हैं वहाँ पे, आप वो भी दे सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे कुछ एक वीडियो आपको फ्री नजर आएंगे, ज़्यादातर आपको प्राइवेट नजर आएंगे, क्योंकि वो उन लोगों के लिए होते हैं जो कि हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चैरिटी या फ्री वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और 80 टेस्ट सीरीज डेवलपमेंट करने के लिए भारी पैसा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, और वो उसको पूरा करने के लिए हम लोग सारे ये प्रोग्राम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना टारगेट बड़ा रखें, 350 प्लस रखें, 100/100, 100/100 मैथ में रखें क्वेश्चन करने का, और इसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ 2016 है पार्ट 2, मतलब कि एसएससी सीजीएल मेंस आपके लिए बहुत ही अच्छा, जैसे टायर 1 हुआ है टायर 2 भी उसी तरह से अच्छा हो। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।